बस कर दो यार आनिया, आखिर कब बड़ी होगी तुम? एक ही भाई है मेरे, और तुम्हें पता है मैं मीरू भाई से कितनी मोहब्बत करती हूँ। यार आनिया, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे मामले में कितना सेंसिटिव हूं मैं। कितनी तकलीफ होती है मुझे जब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देखता हूँ। हेलो, मेरे डायलॉग्स पे तुम क्यों हाथ साफ कर रहे हो? अरे रोहेल भाई, मैं आनिया को समझा रहा हूँ कि बहुत जल्दी अपसेट हो जाती है। हाँ तुम ही समझाओ भाई, मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, इतना वक्त गुजरा है साथ में। आप हॉस्पिटल से हुआ है? नहीं, इसलिए आया मैं साथ लेके जाऊं, अम्मी और खाला के बार बार फोन आ रहे हैं। तुम फ्रेश हो जाओ। नहीं चले मुझे मीरू भाई। नहीं 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 हरगिज़ नहीं, इस खुशी में तो वो बिल्कुल भी नहीं लेके जाएंगे। रो रो के बुरा हाल कर दिया, आंखें सूज गई तुम्हारी। क्यों रोहेल भाई, ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ सही कह रहा है। इमाद मुझे मीरू भैया से मिलना है। मेरी बात सुनो, चलो कमरे में, मैं इसको लेके जा रहा हूँ, नहीं ये बहुत देर करेगी। ठीक है चलो, शाबाश, चलो 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 चलो, जल्दी करो जल्दी करो, टाइम नहीं हमारे पास। मां तुम लेट कराओगे। हाय, कितने क्यूट है ना ये लोग, पता नहीं आप कहाँ से आ गए इस ड्रामे में। क्या मतलब? मजाक कर रही हूँ। काफी खतरनाक मजाक था। बस अक्सर हकीकत इससे ज्यादा खतरनाक होती है। कुछ पता चला मुंतहा ने एंगेजमेंट क्यों खत्म की है? मामा कुछ ज्यादा ही हार्श हो गई थी उसके साथ। नाज खाला इतनी चिढ़ती क्यों है उससे? उनकी एक्चुअली मुंतहा की अम्मी से नहीं बनती। इसमें मुंतहा का तो कोई कसूर नहीं है। ये बात तो मैं भी अम्मी को समझाती हूँ, पता नहीं उन्हें क्यों नहीं समझ में आती। क्या होगा इन दोनों का? मुझे नहीं लगता मुंतहा मानेगी। आई थिंक किसी ना किसी को कन्विंस करना चाहिए उन दोनों को, बिकॉज शामिर की जो इस वक्त कंडीशन है उसको बहुत जरूरत है मुंतहा की। यार मैं तो समझ रही हूँ, अगर कोई और नहीं समझना चाह रहा